आप सभी तो जानते हैं कि आज के जमाने में इंग्लिश लैंग्वेज का कितना अधिक इम्पोर्टेंस है। इंग्लिश आज इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, हर देश हर जगह में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की उत्पत्ति कैसे और कब हुई, और कैसे ये भाषा आज पूरी दुनिया में मैंडरिन चाइना के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली लोकप्रिय भाषा बन गई है। तो आइए जानते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज मुख्य रूप से लैटिन, जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज से मिलकर बना है, तथा अधिकतर दूसरे भाषाओं से भी कई शब्द मिलिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिटेन में 449 से 450 ईस्वी के समय की लैंग्वेज है, मतलब ब्रिटेन में पहले रोमन साम्राज्य का ही प्रभुत्व था और वहाँ लैटिन भाषा बोली जाती थी। इसके आसपास कुछ जनजातियाँ रहती थी जो कि बहुत ही खूंखार व साहसी थी, उन्हें जर्मनिक ट्राइब्स कहा जाता था। जर्मनिक ट्राइब्स 4 जनजातियों में विभाजित थी, एंजल्स, सेक्शंस, जूट्स और फ्राइसिस। इन चारों जनजातियों में से 3 जनजाति एंजल्स, सेक्शंस और जूट्स ने ब्रिटेन पर हमला कर दिया और कब्जा कर लिया था। हालांकि अब 2 अलग अलग जगहों के लोगों के वहां आ जाने से उनमें कम्युनिकेट का प्रॉब्लम होने लगा था, इसलिए एंजल सेक्शंस और जर्मन भाषा के मिश्रण से एक नई भाषा सामने आई जिसे इंग्लो सेक्शन कहा जाने लगा, जिसे हम आज ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। 8वीं सदी के आसपास एक बार फिर ब्रिटेन पर हमला हुआ था जो स्कैंडिनेवियन लोगों के द्वारा किया गया था। स्कैंडिनेवियन नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के लोगों को ही कहा जाता था। वे अपने साथ स्पेनिश, फ्रेंच और ग्रीक भाषा को लेकर आए, और अधिक भाषाओं के आ जाने से एक और नई भाषा का जन्म हुआ जिसे एंजल्स जनजाति के नाम पर रखा गया, एंजेलिस इंग्लिश, और फिर मॉडिफाई होकर वो भाषा इंग्लिश बन गई। साथ ही साथ ब्रिटेन का नाम एंजल्स लैंड रखा गया जो बाद में इंग्लैंड बन गया। 9वीं शताब्दी के आसपास फारसी लोगों का आगमन यूरोप में हुआ जिससे कई शब्द अंग्रेजी भाषा में लिया गया। 1066 ईस्वी में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, उसके बाद से ही यानी 1066 से लेकर 1500 तक मिडिल इंग्लिश बोली जाने लगी। 13वीं शताब्दी में जॉफ्री चौसर के समय ही इंग्लिश भाषा का सबसे अधिक विस्तार हुआ, इसीलिए तो सर जॉफ्री को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज उस समय भी अपने अंदर काफी चेंजेस लाए थे और आज भी यह लैंग्वेज अपने अंदर चेंजेस लाता जा रहा है। यह कई भाषाओं के शब्दों को अपने में चेंजेस करता रहा है। इसने भारत से संस्कृत और हिंदी भाषा से भी कई शब्द लिए हैं जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में स्थान दिया गया है। यानी इन 1400 वर्षों के विकास ने अंग्रेजी लैंग्वेज को इतना मजबूत बना दिया है कि यह आज दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज बन गई है।